एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर ली हैं। जिसने प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ी तो पहले प्रॉपर्टीज़ पढ़ लो। डेरिवेशन ज़रूर देखना, क्योंकि डेरिवेशन आपको ये आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। डेरिवेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, तो डेरिवेशन ज़रूर देख लो। हाँ, एग्ज़ाम में थोड़े डेरिवेशन आ भी जाते हैं, टेन वाले डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। बाकी डेरिवेशंस इसीलिए बताने का पर्पज़ था, आप कर लेना, कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना। एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखना, पहले और दूसरे क्वेश्चन में काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 3 sin inverse x = sin inverse 3x - 4x³। साइड में कंडीशंस भी है, x बिलोंग्स टू -1/2 to 1/2। इस कंडीशंस को भी मैं बताऊँगा कि ये कंडीशन गिवन क्यों है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक साथ डिस्कस कर लेते हैं और 3-4 अलग से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 इज 3 sin inverse x = sin 3x - 4x³। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने लेना, लेट sin inverse x = y। आपने अगर प्रूफ पढ़ा होगा तो हर प्रूफ में काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं, वैसे ही क्वेश्चंस में भी हैं। एक तरीके से ये फार्मूला भी है और आपका क्वेश्चन भी है, तो एज अ फार्मूला भी याद रखना है। तो यहाँ से ये शिफ्ट होगा, तो दैट इज़ sin y = x। अब RHS से स्टार्ट करते हैं। RHS में था sin inverse 3x - 4x³। sin inverse x के प्लेस पे हमें क्या रखना है, sin y रख लेना है। तो 3 sin y - 4 sin³ x। तो sin inverse, अब ये 3 sin y - 4 sin³ x, दिस इज़ द फार्मूला ऑफ sin 3x। यहाँ पे y है तो sin 3y ये पुट कर दोगे एंड दिस बिकम्स वाई। अब साइन इनवर्स साइन एक्स इज नॉट ऑलवेज एक्स। ऐसा मत सोचना कि साइन इनवर्स साइन एक्स को हमेशा कैंसिल कर देगा। ये तब कैंसिल करेगा जब आपकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होगी। अभी साइड में गिवन है x बिलोंग्स टू, देखना साइड में उसी क्वेश्चन में गिवन है, आप क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लो, ये गिवन है। ओके, दैट मीन्स वी कैन राइट x > -1/2 and < 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, sin inverse -1/2 sin inverse x, दोनों तरफ इन्वर्स ले लेना, sin inverse 1/2। ओके, अब ये sin inverse -1/2 किसके इक्वल हो जाएगा, sin inverse -1/2 = -π/6 और ये +π/6। तो 3 sin inverse x किसके इक्वल हो जाएगा, π/2 - π/2 के। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना। तो -π/2 से +π/2 इसकी रेंज हो जाएगी, जो आपको याद होगा प्रिंसिपल वैल्यू रेंज भी यही है। तो उस पूरे फंक्शन 3 sin inverse x की रेंज भी होनी चाहिए कंप्लीट, तभी आप अप्लाई कर सकते हो, इसलिए साइड में रेंज गिवन है। ओके, सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 3 cos inverse x, ये भी सिंपल है, दैट इज़ cos inverse 4x³ - 3x, ये प्रूफ करना है। स्टार्टिंग सेम देख लो, cos inverse x को मैंने y लिया, ये क्या हो गया, cos y = 3x। अब RHS लिया, RHS में cos inverse x के प्लेस पे, देखना x के प्लेस पे हमने cos y पुट किया है, क्योंकि यही वैल्यू आई है x के प्लेस में। तो 4 cos³y - 3 cos y। ओके, अब ये cos 3θ का फार्मूला है, cos 3y का, और ये आपने कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, जब आप साइन का फार्मूला यूज़ करते हो, देखो साइन वाले फार्मूले में क्या है, sin 3x, दिस फार्मूला इज 3 sin x - 4 sin³x। यहाँ पे सिंगल डिग्री और क्यूब डिग्री दो ही होते हैं, यहाँ पे 34 है कोफिशियंट, ये ध्यान रखना है। cos³ में आप किसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है, cos³x - 3 cos x। ठीक है, यहाँ पे 43 है, जस्ट रिवर्स हो जाते हैं कोफिशियंट और फार्मूले दोनों हैं। ये दो फार्मूले आपको अभी याद रखने, फार्मूले धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, 11th क्लास से भूल गए हो तो इन फार्मूलों को बढ़ाते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, 10 पे बेस्ड है, 10 inverse x + 10 inverse y वाला जो फार्मूला था काफ़ी यूज़फुल है। यहाँ से तो हर साल, अभी इस बार 2 marks के क्वेश्चन आए थे, पहले 4 marks के आते थे। ओके,
क्वेश्चन इज 3 tan inverse 2/11 प्लस 10 inverse 7/24 इज इक्वल टू 10 inverse 1/2। ये प्रूव करना है, कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। अब ये हमारा क्वेश्चन है 10 inverse 2/11 प्लस 10 inverse 7/24 इज इक्वल टू 10 inverse 1/2 प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम LHS से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा। आपने फार्मूला पढ़ रखा है 10 inverse x प्लस 10 inverse y का। ये क्या है 10 inverse करते हैं, फिर x प्लस y, जो फार्मूला था 10a + b उसी से काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं, इसीलिए बोलता हूँ प्रूफ पढ़ लोगे तो काफ़ी आपको फार्मूले रिमेंबर करने में आसानी होगी। ये फार्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 2/11 और y की वैल्यू क्या है 7/11। ओके, फार्मूला यूज़ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 inverse 2/11 प्लस 7/24 डिवाइडेड बाई 1 - 2/11 इंटू 7/24। ये आप सॉल्व करोगे तो बेसिकली ये सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा, 10 inverse LCM ले लेना 24 × 11, 2 × 24 = 48 प्लस 7 × 11 = 77 डिवाइडेड बाई 11 × 24 - 49 - 14, ये 14 है डिवाइडेड बाई 24 × 11। ओके, अब ये जब सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू हाफ आएगी और वहीं पे क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। बहुत सिंपल है ये, काफ़ी कुछ कैंसिल आउट हो जाता है। ये 77 है, हाफ करोगे इसका 2 times यहाँ पे आ जाएगा। सो कंप्लीट कर लेते हैं, कंप्लीट। सो बेसिकली ये कितना हो गया, न्यूमरेटर देख लो 125 हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर आप ये दोनों सॉल्व करोगे उसमें से, तो डिनोमिनेटर होगा 264 - 14, ये सॉल्यूशन आप कर लेना, दैट इज़ 250 और कैंसिल होके 1/2 हो कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है ये। ओके, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 2 tan inverse 1/2 प्लस 10 inverse 1/17 इज इक्वल टू 10 inverse 31/17। अब ये क्वेश्चन 4 marks में 3 से 4 times आया हुआ, इतना पॉपुलर क्वेश्चन है। अब सपोज करो यहाँ पे 2 tan inverse का फार्मूला आप भूल गए, तो फार्मूले को कैसे करोगे, इसको ब्रेक कर दिया करो 10 inverse 1/2 प्लस 10 inverse 1/2, वो भी फार्मूला यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करने वाला हूँ। दिस इज़ इक्वल टू 2 tan inverse x का फार्मूला, 2 tan inverse x का फार्मूला प्रॉपर्टीज़ में है, दैट इज़ 10 inverse 2x - x² दिस इज़ द फार्मूला, इसी को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 1/2 2x, देखो 1 - x² 1/2 square दैट इज़ 1/4। ये हमने स्टार्ट किया है RHS को, स्टार्ट करेंगे LHS को, दिस इज़ LHS प्लस 10 inverse 1/7। अब ये फार्मूला ये फार्मूले का पोर्शन है जो हमने यूज़ किया है, इसको साइड में कर देते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे नेक्स्ट स्टेप में, 10 inverse 2 से 2 cancel 1 - 3/4 दैट इज़ 1 - 1/4 दैट इज़ 3/4 प्लस 10 inverse 1/2 1/7। नेक्स्ट कंप्लीट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 inverse 4/3 प्लस 10 inverse 1/7। अब यहाँ पे देखना x और y दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 1 है, तो डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हो आप, ये फार्मूले के साइड में भी गिवन है। तो 10 inverse 4/3 प्लस, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर x y मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 हुआ तो पाई वाला फार्मूला यूज़ होगा जो मैंने बताया है। वीडियो को ध्यान से सारी चीज़ें नोट कर लिया करो, 1 - x (y) 4/3 × 1/7। हमें प्रूफ क्या करना है ये भी देख लो आप, प्रूफ करना है 31/17। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 10 inverse 28
एलसीएम लोगे प्लस 3 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 21 माइनस 4 अपॉन 21, ये कैंसिल हो गया. 21 प्लस 3 दैट इज 31 अपॉन 17 एंड 10 इनवर्स, ये प्रूफ हो गया. तो इसलिए आप प्रूफ कर सकते हो 4 मार्क्स कितना आसान सा है, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट आपको होने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चंस में है क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8. क्वेश्चन नंबर 5 है 10 इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1. अब यहाँ पे सारे को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है. सिंपलेस्ट फॉर्म में आप एक चीज़ ध्यान रखो, बहुत सिंपल सा है. अगर कॉस 1 के साथ आता है तो आप कॉस 2 थीटा वाला फार्मूला ऐसा यूज़ करो कि 1 कैंसिल हो जाए. ओके, अब अंडर रूट के अंदर भी कुछ आता है तो आप उसको ऐसे फार्मूले यूज़ करना है जिससे अंडर रूट हमारा ईजिली यू कैन टेक इट इन सिंपल फॉर्म. जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते. अगर x की वैल्यू मैं साइन थीटा पुट करता हूँ तो 1 प्लस साइन स्क्वायर कोई फार्मूला नहीं है. कॉस थीटा पुट करता हूँ तो कॉस भी कोई फार्मूला नहीं है. 1 प्लस टेन स्क्वायर, यस दिस इज द फार्मूला, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर आपका sec स्क्वायर होगा और वहाँ से आप अंडर रूट निकाल सकते हो. तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में है तो आपको टेन पुट करना है. ओके, ऐसे सेकेंड क्वेश्चन में देखो, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है. अब यहाँ पे आप साइन कॉस कुछ भी पुट करके देख लो, इवन टेन. आप कॉसेक या सेक पुट करते हो तो यहाँ से फार्मूला फॉर्म हो जाता है. ओके, कॉसेक या सेक पुट करते हो तो फार्मूले बन जाते हैं. ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है. तो वन बाय वन इन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. पहले क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ पे हमें मैंने अभी आपको बताया टेन थीटा पुट करना है. सो दिस इज टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स. ये है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है. तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं. तो मैंने अभी आपको बताया कि आपको ऐसी सब्स्टिट्यूशंस करने हैं जिससे आपकी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाए. तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लो, एक्स की वैल्यू पुट करता हूँ, टेन टेन वाई पुट कर लो, सिंपल है. कुछ भी आप पुट कर सकते हो टेन के फॉर्म में. पर्पज़ क्या है, टेन इसलिए पुट कर रहा हूँ जिससे अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर करेंगे और टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर में चेंज हो जाएगा. तो पुट करते हैं, ये हो गया पुटिंग वाला फॉर्म पुट. तो ये हो गया टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई माइनस 1 अपॉन टेन वाई. ओके, अब 1 प्लस टेन स्क्वायर ये 10th क्लास का है, नहीं है तो अभी भी पढ़ लो. 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है sec स्क्वायर. 1 प्लस टेन स्क्वायर sec स्क्वायर, अंडर रूट लिया तो sec वाई हो गया, sec वाई माइनस 1 अपॉन टेन वाई. आई होप यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ये sec स्क्वायर होता है, अंडर रूट होगा तो sec वाई हो जाएगा. ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर यहाँ भी लिख देता हूँ मैं, टेन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू sec स्क्वायर वाई. यही फार्मूला यूज़ किया, अंडर रूट लेके सॉल्व कर लिया. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो हमारे पास आ गया टेन इनवर्स, sec को लिख लेते हैं हम cos के फॉर्म में. तो 1 अपॉन cos वाई माइनस 1, और डिनोमिनेटर में हमारा x है, दैट इज tan y. tan y को हम लिख देते हैं sin y अपॉन cos y, ये हो गया. तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो ये हो गया 1 माइनस cos y अपॉन sin y, और cos y कैंसिल हो जाएगा. सिंप्लीफिकेशन में स्टेप्स थोड़े ध्यान से देख लो. अब मैंने अभी बताया था कि 1 माइनस cos y आता है, 1 प्लस cos y होता है, तो cos 2 थीटा वाला फार्मूला यूज़ कर देंगे. यहाँ पे बेसिकली हो जाएगा tan इनवर्स 1 के साथ ऐसा फार्मूला यूज़ करना है जिससे 1 कैंसिल हो जाए. तो 1 माइनस, अब 1 यहाँ पे उसका साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो अब उसको कैंसिल करने के लिए हमें माइनस 1 चाहिए. तो यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई बाई 2, वाई है तो वाई का वाई बाई 2. अब 1 था 1 माइनस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा. फार्मूला ये होता है ना, cos y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाई बाई 2. ये 1 माइनस हो गया और यहाँ पे प्लस हो गया. ठीक है, अब चूंकि हाफ एंगल हो चुका है न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में भी आप हाफ एंगल लगा लो. साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फार्मूले बहुत यूज़ होंगे इसलिए ध्यान से फार्मूले एक बार रिवाइज कर लेना. वाई बाई 2 कॉस वाई बाई 2. ठीक है, यहाँ तक हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. 1 से 1 कैंसिल होगा, अगले स्टेप में बाकी कैंसिल करेंगे. तो हमारे पास हो गया टेन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर वाई बाई 2 अपॉन साइन वाई बाई 2, 2 साइन वाई बाई 2 कॉस वाई बाई 2.
टू से टू कैंसिल हो गया, स्क्वायर से साइन कैंसिल हो गया, अभी हमारे पास हो गया टेन इनवर्स साइन वाई बाई टू कॉस वाई बाई टू, दैट इज टेन वाई बाई टू एंड दिस इज इक्वल टू वाई बाई टू। और वाई को हमने क्या सब्स्टिट्यूशन किया था, वाई हमारा सब्स्टिट्यूशन था, वाई देख लो हमने एक्चुअली एक्स इज इक्वल टू टेन वाई लिया हुआ था, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी टेन इनवर्स एक्स, तो ये वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देख लो एक बार क्वेश्चन कर लेना, बहुत सिंपल है। नंबर सिक्स है टेन इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब यहाँ पे हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करना है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आप वही सेम मेथड जो अभी अभी डिस्कस हुआ था, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करना है, ऐसे सब्स्टिट्यूशन करने हैं जो आपकी प्रॉब्लम्स को थोड़ा सिंपलीफाई कर दें। लाइक यहाँ पे देखो अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन है, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में ऐसे करना है कि ये अंडर रूट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो आप साइन पुट करोगे तो साइन स्क्वायर माइनस वन कोई फार्मूला नहीं होता, कॉस स्क्वायर माइनस वन नहीं होता, टेन स्क्वायर माइनस वन नहीं होता, कॉट स्क्वायर माइनस वन नहीं होता। हमारे पास ये अगर हम कॉस सेक थीटा या फिर सेक थीटा दोनों में से कोई भी आप पुट कर सकते हो, दोनों से ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही सेक स्क्वायर माइनस वन करोगे टेन में चेंज हो जाएगा, और कॉसेक पुट करोगे तो ये कॉट में चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वन प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर होता है। तो हमने एक्स इज इक्वल टू कॉसेक थीटा पुट कर दिया, आप सेक भी पुट कर सकते हो, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई कॉसेक इनवर्स एक्स। अब प्रॉब्लम पे जैसे ही आपने प्रॉब्लम्स पुट की, तो यहाँ पे देख लो जैसे ही आप प्रॉब्लम्स को पुट करोगे, दिस इज द केस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ओके, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो दिस इज कॉट स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट के बाद ये कॉट थीटा में चेंज हो जाएगा, तो टेन इनवर्स वन अपॉन कॉट थीटा दैट इज वन अपॉन कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा, और थीटा आपने क्या ले रखा था कॉस इनवर्स एक्स, तो आंसर आ गया आपका कॉस इनवर्स एक्स। अब इसी आंसर को आप ये भी लिख सकते हो, अगर आंसर आपको सेम टैली करना है तो दिस इज़ आल्सो इक्वल टू, आप मालूम है आपको सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स ये पाई बाई टू के इक्वल होते हैं, तो कॉसेक को आप सेक के फॉर्म में लिख सकते हो पाई बाई टू माइनस सेक थीटा, तो दोनों ही आंसर का फॉर्मेट सही है, आप ये भी आंसर दे सकते हो दूसरा आंसर दे सकते हो, ओके। तो मेनली आपको सब्स्टिट्यूशन ध्यान देना है, और ये बाई प्रैक्टिस देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन में ये इस टाइप के सब्स्टिट्यूशन से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स हो गया है, सेवन और एट डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर एट देख लो, क्वेश्चन नंबर एट में क्या है टेन इनवर्स वन माइनस कॉस वन प्लस कॉस अंडर रूट के अंदर, जब भी कॉस के साथ वन प्लस या वन माइनस होता है तो हमें फार्मूले कॉस वाले, कॉस के हमारे पास कई फार्मूले हैं, जैसे आपके पास कॉस टू एक्स का ये फार्मूला था वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे ही फार्मूला था टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, और इसी में और भी फार्मूले थे हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स के, मतलब थ्री फार्मूले नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, टेन के भी फार्मूले हैं, ढेर सारे फार्मूले हैं, बट इन जनरल हम तीन फार्मूलों का यूज़ करते हैं। अब इनमें से फर्स्ट टू वाले फार्मूले हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वन प्लस में है और वन माइनस में है। अब इन फार्मूलों का यूज़ आपको ऐसे करना है कि वन कैंसिल आउट हो जाए, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ओके। सो यूज़ करते हैं, देखो वहाँ पे वन प्लस में है तो अभी हमें वन माइनस में लाना है, और माइनस का साइन भी लाना है, माइनस का साइन यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे देखना हमने कॉस को ब्रेक किया किस फॉर्मेट में, वन माइनस टू साइन स्क्वायर में, क्योंकि माइनस से वन माइनस हो जाएगा, यहाँ पे वन प्लस है और माइनस का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो वन माइनस हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमने यूज़ किया टू कॉस स्क्वायर एक्स एक्स बाई टू माइनस वन, एक्स था तो एक्स बाई टू हो जाएगा, हाफ एंगल में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से देखना ये वन माइनस होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वन इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास क्या हो गया टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और टेन स्क्वायर एक्स बाई टू को आप
अंडर रूट लोगे तो टेन एक्स बाई टू हो जाएगा, और जब सिंप्लीफाई करोगे दैट इज एक्स बाई टू। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई किसकी, किसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आई है, टेन इनवर्स वन माइनस कॉस एक्स प्लस वन प्लस कॉस एक्स अंडर रूट। अब सपोज करो डिफरेंशिएशन भी मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ, अगर आपको इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए कोई बोले तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो फर्स्ट आपको सिंप्लीफाई करना है और यहाँ तक पहुँचना है x बाई टू, और x का डिफरेंशिएशन आपको मालूम है 1। तो डिफरेंशिएशन वाले केस में दोनों मिक्स प्रॉब्लम पूछी जाती है, tan इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से प्रॉब्लम होगी और उसको डिफरेंशिएशन करना होगा। तो आप पहले इसीलिए बोला जाता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस की है तो tan वाली प्रॉब्लम, इनवर्स वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं डिफरेंशिएशन में इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो वहाँ भी डिस्कस करेंगे, पहले यहाँ पे सॉल्व कर लो, उसको रिविज़न करेंगे तो वहाँ भी डिस्कस हो जाएगा, ऑलरेडी उस पर वीडियो बन चुकी है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेना, टेन इनवर्स साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब यहाँ पे देखना, इस टाइप की प्रॉब्लम आपको 11th में हमने बहुत सॉल्व की है, बट अभी देख लेते हैं। अब यहाँ पे आउटसाइड में टैन लगा हुआ है, टैन का इन्वर्स है, तो यहाँ भी आपको इनसाइड भी टैन फॉर्म करना होगा, अदरवाइज फार्मूले नहीं बना पाएंगे। तो सिंपली आप न्यूमरेटर को कॉस से डिवाइड कर दो तो डिनोमिनेटर को भी कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा, दैट मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी डिवाइडेड बाई कॉस। सो वी हैव 1 साइन एक्स चेंज इन टू टेन एक्स इन डिनोमिनेटर, कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस दैट इज 1, साइन एक्स चेंज इन टू टेन एक्स। सो हमारे पास फार्मूला होगा टेन इनवर्स 1 माइनस टेन एक्स 1 प्लस टेन एक्स। नाउ 1 कैन बी रिटन एज टेन पाई बाई 4, और 1 के प्लेस में हम टेन पाई बाई 4 पुट करेंगे। सो टेन पाई बाई 4 माइनस टेन एक्स 1 प्लस, और फार्मूला फॉर्म करने के लिए यहाँ पे हम टेन पाई बाई 4 पुट कर देंगे, टेन पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स। तो ये ओवरऑल टेन पाई बाई 4 माइनस टेन एक्स 1 प्लस टेन पाई बाई 4 इंटू टेन एक्स, ये फार्मूला है टेन ए माइनस टेन बी 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। तो नाउ वी कैन राइट, आप ऐसे लिख सकते हो टेन इनवर्स टेन ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स, सो दैट इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो ये आपका सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में आंसर आ चुका है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9